22 को जब सडनली कर्फ्यू लगता है, मैं यहीं पे फंस जाती हूँ, मैं घर नहीं जा पाती, ना मैं सेंटर चेंज कर पाती हूँ। मेरे पास ऑप्शन ही नहीं था, क्योंकि उस समय ये था कि 31 मार्च को खुल जाएगा। शायद अगर आपको याद हो, मैं एक साल पहले की घटना से जोड़ना चाहूँगी, और मैं यहीं पर फंसी रही। मेरा ये 5th अटैम्प्ट था, मेरा अभी 1 अटैम्प्ट बचा है, पर इस बैड की मैटर में मैं आती हूँ और आपको बताना चाहूँगी, मेरा पूरा घर हाथ खड़े कर दिया था। सरकार, आपने बोला पढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया, वुमेन एम्पावरमेंट की बात, मैं लड़की होकर उस समय सड़क पर थी, मुझे बाहर से खाना मिला था। और सरकार को अगर प्रूफ चाहिए तो मैं इसका प्रूफ देने के लिए तैयार हूँ। मैं पूरे 3 महीना मदर टेरेसा सिस्टर्स के साथ मैं 1 महीने रही हूँ। मैं स्वयं भुक्तभोगी हूँ सरकार की, और अनुरोध करती हूँ उनसे कि वो इस दर्द को समझे। अगर उन्हें ये बात नहीं समझ में आ रही है तो समझे, यहाँ पर एक बच्चा अगर एक IAS के लिए खड़ा है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर है। अगर आज एक लड़की यहाँ पे रो रही है, अपनी गुहार लगा रही है, उसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर है। मैं तो एक प्रतीकात्मक माध्यम हूँ मैम, मेरी तरह और भी कितनी लड़कियाँ हमारे साथ, एक मधु मैम आती है, उनका बच्चा है, सोचिए कितनी चीज़ें वो अपनी घर से, आप खुद एक लड़की हैं, आप जानती हैं लड़कियों क्या क्या तकलीफ हो सकती है। और मैंने उस समय यहाँ पे रहा, मुझे बाहर से मदद मिली, खाना बनाने के लिए मिला, मेरा पूरी फैमिली, इवन आज भी मेरी पूरी फैमिली अपना हाथ खड़ा कर चुकी है कि तुम्हें आना है, आओ रहो, हम छोड़ दे रहे हैं तुम्हें, डन, ओके डन। क्योंकि मेरी जिद थी, और जिद गलत चीज़ के लिए नहीं मैम, क्योंकि मुझे पता है कि मैं जाके सरकार को, मैं सिविल सर्वेंट बन के क्या करना चाहती हूँ, मेरा ध्येय क्लियर है मैम, उसके लिए मैं, मुझे लड़ना है। और इसीलिए आज हमने सत्याग्रह किया है, और ये सत्याग्रह 1 महीने से चल रहा है, चलता रहेगा, अंतिम समय तक चलेगा, हमें जीत जरूर मिलेगी मैम। 1857 से जब स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ था तो 1947 तक चला था, ये तो मात्र 30 दिन की जर्नी है मैम, और हम लड़ेंगे मैम, अंतिम समय तक लड़ेंगे। या तो सरकार, आप डुअल पर्सनालिटी की बात कर ही नहीं सकते हो, एक तरफ आप एक लड़की को आगे बढ़ाने की बात करते हो, दूसरी तरफ आप युवा को रोजगार देने की बात करते हो, तीसरी तरफ अपने ही युवाओं को, हमारे जैसे हमारे SSC भाई बहनों को आप रोड पे लाके खड़ा कर दिए हो, ये दोहरी नीति क्यों? अच्छा, आपका नाम क्या और कहाँ से है? मेरा नाम ज्योत्सना है मैम, और मैं आपके UP से बिलोंग करती हूँ, मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट है मेरा। तो मतलब आपकी एज का चक्कर? हाँ, मेरा 5th अटैम्प्ट था, और एज का मतलब इस बार उसमें आया है। तो आपको क्या लगता है अभी एग्ज़ाम कब है और आपको मौका मिलने का चांस? मैम एग्ज़ाम तो 27 जून को है मैम, अगर सरकार अभी विचार नहीं कर पा रही तो कोई बात नहीं, वो आराम से विचार करे, पर वो आगे के लिए तो सोचे, क्योंकि उन्होंने प्रॉमिस किया था। हम उन बच्चों के लिए नहीं बोल रहे हैं कि जो अपने घर में बैठे थे, हम वही मांग रहे हैं जो यहाँ पे थे। आपके सामने अभी मेरे हेल्थ सेक्टर के एक भाई आए, उन्होंने बताया मैम प्रभाव बड़े स्तर पर देखा जाता है, और कोरोना एक महामारी थी मैम, उसके लिए सरकार को सोचना ही होगा। और मैं मीडिया से भी आग्रह करती हूँ, आप हैं, हमारे देश में बहुत सारी मीडिया है, मैं मीडिया को भी एक संदेश देना चाहती हूँ, हम बच्चों की आवाज़ उठाए, लोकतंत्र की चौथी पिलर मानी जाती है मीडिया, स्वतंत्रता भी संभव न होता अगर मीडिया और पत्रकारिता साथ न देती। तो मैं आप लोगों से भी विशेष आग्रह करती हूँ, आप हमारी आवाज़ सरकार तक पहुँचाएँ, बिना लाभ हानि के विषय में सोचे हुए हम बच्चों की आवाज़ पहुँचाएँ, एक महिला होने के नाते आप हमारी आवाज़ पहुँचाएँ, हमारे भाई बंधुओं की आवाज़ पहुँचाएँ, इतना ही कहना चाहूँगी मैं। नमस्कार दोस्तों, मैं कोमल हूँ और अभी मैं मौजूद हूँ दिल्ली के जंतर मंतर पर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं UPSC के 1st अटैम्प्ट को लेकर, तो हमसे बातचीत करेंगे कि आखिर मामला क्या है। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम शंभू शरण है। अच्छा। और मैं बिहार से आया हूँ यहाँ पे, और हमारा यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है, और जो कि UPSC कंपनसेटरी अटैम्प्ट की डिमांड है, जो कि कोविड में जो हमारा एग्ज़ाम हुआ फोर्सफुली एग्ज़ाम हुआ उसको, और जो हम लोग लास्ट अटेम्प्ट वाले हैं उनका ये डिमांड है कि, हमारा ये डिमांड है कि 1 अटेम्प्ट 2021 में दिया जाए। तो आपका एग्ज़ाम हो चुका है कोविड? एग्ज़ाम 4 अक्टूबर को हमारा एग्ज़ाम हो चुका है, और एग्ज़ाम से पहले हम लोग का ये डिमांड था कि एग्ज़ाम को पोस्टपोन किया जाए, और इस एग्ज़ाम से 4 दिन पहले यानी 4 अक्टूबर से 4 दिन पहले 30 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को ये डायरेक्शन दी थी कि जिनका लास्ट अटेम्प्ट है वो उनको एक मौका 2021 में आप दे देंगे। तो इस बेसिस पे हम लोग जाके एग्ज़ाम दिए, और मान लीजिए जिसका एज वाइज लास्ट नहीं था, अटेम्प्ट वाइज लास्ट था, वो लोग भी दे दिए एग्ज़ाम कि चलो अगले साल तो मिलेगा ही। अब उसके बाद क्या हुआ कि फाइनली अभी हम लोग को वो मौका नहीं दिया गया है 21 में, इसीलिए हम लोग यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम लोग अपना डिमांड रख रहे हैं सरकार के सामने कि हमें हमारा जो डिमांड है उसको पूरा किया जाए। तो और लोग कहाँ कहाँ से आए हैं सब? आपका नाम क्या है? मेरा नाम ज्योत्सना है। आप कहाँ से आए हैं? मैं UP से हूँ। अच्छा, तो आपकी भी यही डिमांड है? जी बिल्कुल।
हम सभी की यही डिमांड है कि हमें यूपीएससी का एक्स्ट्रा अटेम्प्ट मिलना चाहिए। और सबसे पहले आपको बताना चाहूँगी कि 30 सितंबर को गवर्नमेंट ने कहा भी था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि मतलब जो भी बच्चे ये लास्ट अटेम्प्ट में बैठ रहे हैं, क्योंकि पहले अटेम्प्ट को पोस्टपोन करने की मांग की गई थी, और कोविड के बारे में शायद बताने की ज़रूरत नहीं है कि पूरा देश, इवन अमेरिका जैसा देश भी जब प्रभावित हुआ तो भारत कितना प्रभावित हुआ होगा। और आज भी आप देख रहे हैं, इवन वैक्सीन के आने के बाद भी फिर दोबारा कोविड की लहर बढ़ रही है। उस समय हमारे लिए पहले ये था कि हमें जान बचाना है, पर हमारा लास्ट अटेम्प्ट था और सरकार ने 30 सितंबर को बोला कि आप पेपर दीजिए, हम उन बच्चों के बारे में सोचेंगे जो लास्ट अटेम्प्ट दे रही है और कोविड वॉरियर है, कोरोना वॉरियर है, तो आज वो अपनी बात से क्यों मुकर रही है। अच्छा, एक टैगलाइन है कि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, तो उस बारे में। मैम, हमारे देश में टैगलाइन तो है ज़रूर, पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, पर प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती है। एक तरफ आप ये टैगलाइन देते हो पढ़ेगा इंडिया बढ़ेगा इंडिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दूसरी तरफ यही कुछ बेटियाँ हैं जो आज यहाँ आ पाई हैं और अपने ही अधिकारों के लिए खड़ी हैं, और कैसे पढ़ेगा इंडिया जब उसे अधिकार ही नहीं मिल रहा है। हम एक सिविल सर्वेंट है, जो सिविल सर्वेंट का अर्थ ही है जनता के लिए काम करने वाला, और आज हमें अपने ही अधिकार नहीं मिल पा रहे हैं। और जब सरकार उतने बड़े पोस्ट पे, उच्च स्तर पे बैठ के अपने वादे को नहीं निभाती है, तो वो एक सिविल सर्वेंट को क्या मैसेज दे रही है कि हम किस तरह विश्वसनीय स्तर पे काम करें। और हम अपना अधिकार ही तो मांग रहे हैं, हम अटेम्प्ट ही, हम ये तो नहीं कह रहे आप हमें डायरेक्ट IAS बना दीजिए, हमें IPS बना दीजिए या कुछ बना दीजिए। अच्छा, अभी IAS में सरकार ने डायरेक्ट भर्तियां निकाली थी लेटरल एंट्री के लिए। जी बिल्कुल, उसके बारे में मेरे मित्र बताना चाहेंगे लेटरल एंट्री के बारे में। सॉरी, आपका नाम क्या? रजत त्यागी नाम है और मैं दिल्ली से हूँ, और ये लास्ट ईयर मेरा लास्ट अटेम्प्ट था। अच्छा, मैंने क्वेश्चन नहीं सुना आपका। मैंने कहा कि अभी IAS के लिए लेटरल एंट्री के लिए पोस्ट निकालती डायरेक्ट। हाँ, वो लेटरल एंट्री थी, तो आप वो भी देख सकते हैं क्या, जो हमारा इशू है और वो जो हुआ है, दोनों ही क्लैश कर रहे हैं आपस में। क्योंकि हमारा भी अगर डिक्लेयर करते हैं कि 32 ईयर्स तक हम लोग एग्ज़ाम दे सकते हैं, वहाँ पर लेटरल एंट्री में शायद कोई एज लिमिट है नहीं। अच्छा, तो आप इसी पे बताइए, क्लैश कर रहा है ये, अपने आप ही क्लैश कर रहा है। यूपीएससी एक तरफ लेटरल एंट्री में प्राइवेट लोगों को बुला रही है और हम लोगों को बोल रहे हैं कि नहीं आपकी एज हो चुकी है, ये गलत है, ये गलत है। और दूसरी चीज़ मैं ये भी बोलना चाहूँगा, ये यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, पब्लिक सर्विस है, इसमें एज क्यों? और अगर एज है ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन में, तो आपको एज रिलैक्सेशन देना चाहिए ना। मतलब आप क्या कह रहे हो, पब्लिक सर्विस में एज डिक्लेयर कर रहे हो कि बस 32 ईयर्स तक ही आप लोग पब्लिक सर्विस कर सकते हो, उसके बिना नहीं, लोग रिटायर होने के बाद में भी पब्लिक सर्विस करते हैं। सब चीज़ें क्लैश हो रही हैं आपस में, रूल्स का कोई ग्राउंड रियलिटी पे नहीं बने हुए हैं। ये सुप्रीम कोर्ट ने हमारे केस में भी बोला था कि पॉलिसी हैज़ टू बी मेड ऑन ग्राउंड रियलिटीज़, तो ग्राउंड रियलिटीज़ पे पॉलिसीज़ बननी चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि हाँ हमें एक रिलैक्सेशन मिलना चाहिए, हमारे लिए कुछ होना चाहिए, लेकिन क्योंकि ये गवर्नमेंट की एक पॉलिसी है, इंटरनल पॉलिसी है, तो जुडिशरी एग्जीक्यूटिव की पॉलिसी में इंटरवीन नहीं कर सकती है, कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है। लेकिन उन्होंने बोला था गवर्नमेंट को कि आपको आना चाहिए और इनको हेल्प करना चाहिए जो लास्ट चांस वाले स्टूडेंट्स हैं। और दूसरी चीज़, मैं एक और एक एग्जाम्पल मैं और लूँगा, जो बार बार क्लैश हो रही हैं चीज़ें। अभी आपने देखा है कि केरला में ई श्रीधरन बीजेपी का चेहरा है, 2019 में बीजेपी ने एक अपनी पॉलिसी भी बनाई थी जिसमें ये बोला था 75 ईयर्स उस एज वाले या उससे ऊपर वाले लोग को हम पार्टी टिकट नहीं देगी। 2019 में बीजेपी एक पॉलिसी बनाती है कि 75 ईयर्स ओल्ड या उससे कोई ऊपर का अगर कोई होता है तो पार्टी टिकट नहीं देगी, बट अभी 88 ईयर ओल्ड कोई है उनको अपना पार्टी का चेहरा बना देती है। मिथुन चक्रवर्ती का भी मेरे को एज नहीं पता है, बट शायद वो भी 75 से ऊपर ही हैं। पॉलिसी तो चेंज हो रही है और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो ग्राउंड रियलिटीज़ पे वो लोग बना रहे हैं, क्योंकि शायद केरला में कोई नहीं है और वो पॉलिसी बनाई थी इसलिए बनाई थी क्योंकि शायद यूथ आगे आएगा। तो हमारी भी अगर पॉलिसी ये है कि 32 ईयर्स एज या 6 अटेम्प्ट्स, उसमें रियलाइजेशन ईजिली मिल सकता है, बट क्यों नहीं मिल रहा है एटलीस्ट या तो ये बता दें। तो बात ये हो रही है कि कोरोना, एक और चीज़ मैं बोलूँगा, कोरोना का इम्पैक्ट सबके ऊपर आया है, सब ने एग्ज़ाम दिया। यूजुअली जो एक जनरल लोग होते हैं वो ये सोचते हैं कि सभी ने तो एग्ज़ाम दिया ही है, सभी के ऊपर तो आया, हाँ सभी के ऊपर आया है, लेकिन जो इसका आउटकम है वो वेरी कर रहा है अलग अलग लोगों पर। आप, मैं एक एग्जाम्पल छोटा सा लूँगा, हमारे बीच में बहुत सारे लोग कोविड वॉरियर रहे हैं, गवर्नमेंट ड्यूटीज़ पे जरूर थे, काफ़ी लोग कोरोना इन्फेक्टेड भी थे। अब आप एक बार बताइए, यूनियन जो UPSC ने एक फॉर्म निकाला था सिविल सर्विसेज का, वो मैंने फॉर्म फिल किया, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है, फिर कोविड के टाइम पर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो है, लोकल गवर्नमेंट है, वो ये बोलती है कि अगर आप कोविड इन्फेक्टेड हो तो आपको आइसोलेट होना पड़ेगा, आप बाहर नहीं निकलो। क्यों नहीं निकलोगे? क्योंकि आप दूसरे लोग भी इन्फेक्टेड हो जाएंगे। हम किसकी बात माने? मैं अपना एग्ज़ाम जाके दूँ,
जो मेरा लास्ट अटेम्प्ट है, या मैं लोकल गवर्नमेंट की बात मानूँ, चाहते तो हम लोग एग्जाम दे देते लेकिन नहीं, दूसरे लोग भी इन्फेक्टेड हुआ थे, तो हमने लोकल गवर्नमेंट की बात मानी, बट उससे अब सेंट्रल गवर्नमेंट की वायलेशन हो गई, हम एग्ज़ाम नहीं दे पाए, हम किसके पास जाएँ? हमारा जेन्युइन है जो हमारा इशू है वो जेन्युइन है, हमें लास्ट अटेम्प्ट वालों को एग्ज़ाम में बैठने के लिए एक चांस चाहिए, व्हाट्स अ बिग डील, इसमें कोई, इसमें क्या ऐसा है जो नहीं, क्या रॉकेट साइंस है यार, एक बार चांस मिल सकता है, और ऐसा नहीं है कि कभी मिला ही नहीं है, पहले भी हमने देखा है मिला है, एक एक्स्ट्रा अटेम्प्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन में मिला है, सो इट्स टोटली डिपेंड ऑन गवर्नमेंट कि वो हमें क्या आंसर देती है, अभी तक तो कोई आंसर भी नहीं आया, आंसर तो दे दो, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन है यार, हमने भी वोट दिया है, मेजोरिटी से वो गवर्नमेंट है, हम जानते हैं, लेकिन आपको बात तो सुननी पड़ेगी ना। ये है कि पॉलिसी में कोई चेंज नहीं चाहिए मुझे, ये पॉलिसी का चेंज के लिए, अगर इनको लग रहा है कि पॉलिसी में बहुत बड़ा चेंज है, ऐसा कोई चेंज नहीं करना है, ऑल इंडिया सर्विस रूल्स जो है उसके क्लॉज 4 में देखेंगे, आप सिंपल एक नोटिफिकेशन ला के ये डिमांड को पूरा कर सकते हैं, और हम ये एक बार और फिर से रिपीट करेंगे, यही प्रधानमंत्री थे, यही माननीय नरेंद्र मोदी ही थे कि जो 2015 में उस डिमांड को पूरा किए थे, और यही सरकार थी, यही प्रधानमंत्री थे, तो क्या अभी यही सरकार, यही प्रधानमंत्री हमारी डिमांड को नहीं पूरा करेंगे, जो कि जेन्युइन डिमांड है? बस मेरा ये कहना है, कोई एक्ट नहीं लाना है, कोई कुछ नहीं करना है, बहुत बड़ी बात नहीं है ये, एक सिंपल सी बात है, अगर कन्फ्यूज़न है गवर्नमेंट के अंदर, ब्यूरोक्रेसी के अंदर, कि हाँ ऐसा करना है, ये पॉलिसी बहुत बड़ी बात हो जाएगी, ये हो जाएगी, वो हो जाएगी, सबको अटेम्प्ट देना होगा, नहीं कुछ देना होगा, आप एक एक्सेप्शन रूल निकालिए, आप लोग बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंसड हैं, और इसमें मैं कुछ ज़्यादा सजेस्ट नहीं करूँगा, आप लोगों को पता है कि एक एक्सेप्शन रूल निकालिए, और लास्ट अटेम्प्ट वाले को एक एक्सेप्शन के तहत एक मौका दे दीजिए, कंपलसरी अटेम्प्ट दीजिए, एज बढ़ाने की डिमांड हमारी नहीं है, 32 साल अगर जनरल का एज है 32 साल ही रहेगा, बस 1 ईयर 2020 में जो भी लोग एग्जाम दिए हैं कोविड के कारण जो अफेक्ट हुए हैं उनको बस एक एक्सेप्शन के तहत एक मौका दे दीजिए। अच्छा, अगर आप लोग की डिमांड नहीं होती है तो अब आप लोग क्या करते हैं? हम लोगों की जो डिमांड चल रही है ये तो 5 महीने से चल रही है, अगर आज की डेट में हमसे पूछा जाए कि अगर नहीं होती है तो क्या करेंगे, ये क्वेश्चन हमसे 3 महीने 4 महीने पहले भी पूछे जा रहे थे, हम क्या करेंगे, हम आज भी जो कर रहे हैं हम वही करते रहेंगे, जब तक नहीं मिलेगा तब तक यही करते रहेंगे, क्योंकि कोई और ऑप्शन भी तो नहीं है। अब कोई कहेगा कि हम 7 साल 8 साल UPSC के लिए पढ़ के IAS IPS के लिए पढ़ने के बाद में हम किसी IT गवर्नमेंट में IT कंपनी में जाके जॉब करें, वो पॉसिबल नहीं है, हम लोग करते रहेंगे, जब तक नहीं मिलेगा हम लोग करते रहेंगे। मैं बोलना चाहता हूँ, मैं एक डॉक्टर हूँ बाई प्रोफेशन, और ये कोरोना के टाइम में आपको पता है कि कितने ज़्यादा ये प्रॉब्लम हुआ करता था, दोनों तरफ से मैनेज करना, क्लिनिक्स को भी और यहाँ पे पढ़ाई भी, वो बिल्कुल भी नहीं हो पाई इस चीज़ में, तो जो कंपनसेटरी अटैम्प्ट की हमारी डिमांड है वो बिल्कुल भी जेन्यून है, और गवर्नमेंट को एज सुन एज इस पर वो हमें अटैम्प प्रोवाइड कराना चाहिए इस चीज़ को लेकर। सर आपका नाम क्या है, कहाँ से? डॉक्टर सौरभ, मैं यहीं दिल्ली से ही हूँ। तो आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, कब से कर रहे हैं? मेरा 3 साल हो गया अटेम्प्ट का, और मैंने सारे अटेम्प्ट मेरे प्रोवाइड नहीं, ख़त्म नहीं हुए हैं, मेरा एज 12 हो गया है, तो इस चीज़ के लिए हम एक डिमांड कर रहे हैं एक्स्ट्रा अटेम्प्ट को लेके गवर्नमेंट से, तो हमारी जेन्यून डिमांड है, गवर्नमेंट को एज सुन एज इस पर मतलब अपने स्टैंड लेना चाहिए और हमें अटेम्प्ट प्रोवाइड करानी चाहिए, बिकॉज कोरोना के टाइम में एज अ डॉक्टर आप सोच सकते हो कि बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, कितनी हाइजीन मेंटेन करनी होती है, फैमिली को प्रोटेक्ट करना पड़ता है और सोसाइटी में काम करना, ये सब चीज़ें बहुत मुश्किल हो जाता है दोनों तरफ से मैनेज करना, उसमें पढ़ना तो इम्पॉसिबल के बराबर है, कोई भी नहीं कर सकता है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है इस चीज़ में, तो कोई हम कोई बहुत डिफरेंट चीज़ डिमांड नहीं कर रहे हैं, ये नॉर्मल है, और मेरे ख्याल से जब हर सेक्टर को कुछ ना कुछ कंपनसेशन दिया ही गया है तो हमारी तो जेन्युइन डिमांड है, इसमें कुछ भी गवर्नमेंट को सोचना नहीं चाहिए, अटेम्प्ट प्रोवाइड करनी चाहिए बच्चों को, जितना जल्दी हो सके उतना देना चाहिए, क्योंकि लेट का मतलब होता है कि फिर तो मना ही हो गया लेट करने से, गवर्नमेंट को एज सुन एज आके प्रोएक्टिव डिसीजन देना चाहिए, अब तो वैसे ही ऑलरेडी लेट हो चुका है, अब तो इसमें कोई मेरे ख्याल से कि मिलना ही चाहिए अटेम्प्ट। अच्छा, मैं एक चीज़ ये बोलना चाहूँगा, अगर लोग ये ना समझ पाए कि एक्चुअली मैं अभी भी ना समझ पाए कि हमारा इशू क्या है या हमारी प्रॉब्लम क्या थी, तो मैं उन्हीं का एक एग्जांपल लेना चाहूँगा, अभी जब कोविड अपनी पिक पे था, कई जगह आपने देखा था जो पब्लिक फेस्टिवल्स थे या स्ट्रीट फेस्टिवल्स थे या कोई समारोह करना चाहता है तो सब पे रोक लगी हुई थी, किसी को पार्टी करनी है तो रोक लगी हुई थी, लेकिन अगर किसी की मैरिज है, अब उस पर रोक नहीं थी, हाँ उसमें ये कर दिया था कि 50 लोग से ज़्यादा नहीं आ सकते, ये हमको पता है, क्योंकि अगर किसी की शादी है तो वो कोविड की वजह से छोड़ तो नहीं देगा ना, उसको करनी तो पड़ेगी ना, वो कब तक डिले करेगा, उसी तरह हमारी भी सिचुएशन है, हमारी भी वही इश्यूज़ हैं कि हमारा एक ऑप्शन, हमारा लास्ट अटेम्प्ट था, हम कोविड की वजह से उसको आप छुड़वा नहीं सकते हो, हमारा अगर कोई भी अटेम्प्ट नहीं बचा हुआ है, हमें एक चांस ही चाहिए, तो ठीक है कोविड की वजह से सबको प्रॉब्लम थी, ट्रांसपोर्टेशन में बहुत सारी प्रॉब्लम थी, फ्लड्स जहाँ पर फ्लड लाइक सिचुएशन थी इतने सारे स्टेट्स में अक्टूबर सेप्टेम्बर में, वहाँ पर आने जाने की दिक्कत थी, तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कोई ना शायद इस चीज़ को समझे हमारे लिए कितना ज़रूरी है, बट एग्ज़ाम हमारे लिए उतना ही ज़रूरी है।
खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।